हाँ फ्रेंड्स, इस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि COVID-19 से आप सेफ रहिए, घरों में से बाहर मत निकलिए और ना तो अपने फ्रेंड्स अपने परिवार वालों को निकलने दीजिए। हमारी विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दीजिए और कोई भी अगर आपके आसपास वाला भी जाता है घर से बाहर तो उसको रोकने का प्रयास करिए। कोई नीड है तो कम से कम मास्क लगाने के बाद ही निकलिए। यस, तो कंटिन्यू करते हैं फंक्शन स्टडी को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें कुछ रूल बताएंगे जो आपको एक्सरसाइज में यूज होना है, वो तो अभी तक जो हमने बताया वो बेसिक था। तो इसमें यह है, सबसे पहले आता है वर्बल मैपिंग। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है मैपिंग आर फंक्शन, मतलब मैपिंग ही फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आप देखेंगे 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, मैपिंग कहिए आर फंक्शन कहिए, ठीक है। 1-1 मैपिंग कहिए आर फंक्शन कहिए, इसको एक ऐसी चित्रण कहते हैं। हाँ, इसको इंजेक्शन भी कहते हैं, शॉर्टकट क्या बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। तो मैपिंग फंक्शन क्या होती है, f such that x to y is set to be इंजेक्शन, थोड़ा शॉर्टकट लिख देते हैं, इज सेट टू बी इंजेक्शन इफ फॉर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसको मैं डोमेन भी कह रहा हूं या एक्स आप कह सकते हैं, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं डोमेन, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव एफ इमेज इन different element of y, in different element have f image different element in y, is set to be 1-1 mapping। ये आपका 1-1 mapping है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देखिए, जैसे ये x है, ये दूसरा एलिमेंट y है, x के अंदर अगर x1, x2, xn हो सकता है, xn ना करिए, जाने दीजिए, x ही कर दे रहा हूँ। इसमें ले लीजिए y1, y2, y3, फॉर एवरी एलिमेंट, इसको डोमेन, ये आपका डोमेन है, ये क्या है, को डोमेन है। यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी x1 x2, x3 belongs to x, क्या फॉर एवरी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सब लिख लिया, एंड y1, y2, y3 belongs in y, ठीक है। तो इमेज हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि x के डिफरेंट एलिमेंट का जब डिफरेंट इमेज होता है तो उसी को एक ही यानी 1-1 यानी इंजेक्शन फंक्शन करते हैं, ओके, ठीक है। तो कैसे, कैसा ये मिलने की उम्मीद आप कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का। देखिए, x डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिला, ठीक है, तो इसे ही 1-1 मैपिंग कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो आप समझ गए, निशन भी याद ही हो गया होगा कि x के भिन्न भिन्न एलिमेंट्स का y में भिन्न भिन्न इमेज मिल जाता है तो 1-1 मैपिंग हो जाती है, ओके। लेकिन जब इसको प्रूफ करना होगा, यहाँ ये डोमेन है, ये रेंज है, ये भी क्लियर, डोमेन क्या है, x1 x2 x3, रेंज क्या है, y1 y2 y3, मतलब यहाँ को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। और ये भी आप जानते हैं कैसे इसको लिखा जाता है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, fx1 इक्वल टू y1, मतलब x1 का f इमेज क्या है, y1, ठीक है। x1 क्या होता है, प्री इमेज होता है, ठीक है, x1 क्या होता है, प्री इमेज होता है, और y1 क्या है, y1 ये फंक्शन ऑफ x, x1,
ओके, ये सब चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में हो गया है। हाँ, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ भी इसका बहुत आसान है। इसका प्रूफ समझिए कि जब आपको कभी कोई क्वेश्चन दिया होगा और ये दिखाना होगा कि भाई दिखाएंगे ये वर्मन है कि नहीं है, तो वर्मन दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है, यही है एक्स और वाई, तो ये दिखाते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, देन दिस इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू एक्स। ये है पहली कंडीशन प्रूफ करने की, ये है फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करने की, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं, डाउट भी होते हैं। सेकेंड कंडीशन में अभी और भी एक तरीका है प्रूफ करने का, एक और तरीका है, देखिए अगर एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू है, मतलब एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। ध्यान से समझ लीजिए, यहां एफ एक्स वन क्या है, ये है y1 ही क्या होता है, एफ एक्स वन, y2 क्या होता है, एफ एक्स टू। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों दो नहीं बल्कि एक अगर है, तो x1 और x2 भी दो नहीं है, फिर एक ही होंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर यही लिखा जाता है बुक्स में। दूसरी बात ये देखिए, जैसे कि मैं यहां बनाया हूं y1 y2 को डिफरेंट बनाया हूं, तो अगर ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं होने का मतलब fx1 is not equal to fx2, तो then this implies फिर x1 is not equal to x2 भी होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये भी दोनों सेम नहीं है। इन सभी का मीनिंग यही हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट f इमेज इन y, इंस्टेड टू बी 1 1 और इंजेक्शन मैपिंग, इट्स क्लियर। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है, 1 1 into mapping, तो 1 1 into mapping के लिए कोई अलग से डेफिनेशन मुझे नहीं देना है, बस थोड़ा सा आप इसको ये समझिए कि 1 1 into का मतलब क्या हो, what is the meaning of into, यहाँ into समझा दे, 1 1 तो आप समझ ही गए होंगे, into का मतलब ये होता है, इसी डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि 1 1 into में तब होता है डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज ही होता है, बट एक छोटी सी लाइन और ऐड करना पड़ता है क्या, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट, क्या एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई का मतलब वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका एक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ इमेज न हो, इसे ही 1 1 इंटू मैपिंग कहते हैं। तो इसको आप लिख करके भी देख सकते हैं, सेट टू बी इंजेक्शन, यहाँ इंजेक्शन मिटाना पड़ेगा, एफ एक्स वाई सेट टू बी डिफरेंट एलिमेंट एक्स डोमेन हैव एफ में डिफरेंट एलिमेंट इन वाई, ठीक है। यहां मैं अब आपको बता रहा हूं 1 1 इंटू मैपिंग की बात कर रहा हूं, 1 1 इंटू मैपिंग की बात कर रहा हूं, 1 1 इंटू मतलब ये एक है ही अंतर छेदी फल, एफ एक्स वाई सेट टू बी इज सेट टू बी, यहां लिखना पड़ेगा 1 1 इन टू मैपिंग एंड टू फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव एफ इमेज टू डिफरेंट एलिमेंट इन वाई इज सेट टू बी 1 1 इन टू मैपिंग इज सेट टू बी 1 1 इन टू मैपिंग, आगे क्या लिखना होगा, but at least one element in y, ये y को लिख दिया अभी, but at least one element in y but at least one element in y have no one image to any element of x, to any
एलिमेंट ऑफ एक्स। इसका ये मतलब हुआ, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक एलिमेंट वाई में ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट वाई में ऐसा हो जिसका नो वन इमेज, नो वन एफ इमेज लिख दीजिए, नो वन एफ इमेज टू एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एक्स के किसी भी एलिमेंट का एफ इमेज ना हो। ओके तो यहां पर ये वन वन इन टू की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है कि कम से कम एक एलिमेंट तो यहां है जिसका कि किसी भी एलिमेंट के साथ इमेज नहीं है, तो इसे ही वन वन इन टू मैपिंग भी करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही जानिए, ये इतना सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं, वन वन इन टू मैपिंग के बाद इसके बाद आता है क्या है, थर्ड है मेनी वन फंक्शन, इसको रफ कर दे रहा हूं। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन का मतलब होता है बहुएक फलन, बहुएक फलन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। अब इसमें भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये सब फॉर्मेलिटी आपको सीखना पड़ेगा, एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, ये वर्ड आपको थोड़ा सा माइंड रखना पड़ेगा, इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन इफ, इफ मतलब ऐसा क्या है मेनी वन में, ऐसा यह है कि इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स, इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स हैव एफ इमेज, हैव एफ इमेज टू एनी वन एलिमेंट इन वाई। ठीक है, फिगर से क्लियर हो जाएगा, ये समझिए जैसे कि ये एफ है, एक्स है, ये वाई है, यहां एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, यहां क्या है ये सिर्फ वाई वन है, एक्स वन का भी इमेज वाई वन में, एक्स टू का भी इमेज वाई वन में, एक्स थ्री का भी इमेज वाई वन में, हो गया मेनी वन। इसी को मेनी वन मैपिंग कहते हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही ये सब टाइप ऑफ फंक्शन सही होंगे। अब आप यहाँ थोड़ा सा भी डाउट ना पूछिएगा कि तो फंक्शन है ही नहीं, क्यों नहीं है फंक्शन, एक्स वन का यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एफ इमेज है वाई वन, एक्स टू का यूनिक एफ इमेज है वाई वन, एक्स थ्री का यूनिक, मतलब एक्स वन का तो यूनिक ही इमेज हुआ वाई वन, एक्स वन की कोई दो इमेज थोड़ी है, ओनली वन इमेज है, वो भी क्या वाई वन है, एफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन, आप यहां देख सकते हो ये कंडीशन मिल रही है, एफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन, एफ एक्स टू इक्वल टू दिस इज आल्सो वाई वन, एफ एक्स थ्री इक्वल टू दिस इज आल्सो वाई वन। तो ये है मेनी वन मैपिंग आर मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट और आता है फॉर मेनी वन इंटू फंक्शन, यहां आगे इंटू लगा दिया गया, इंटू मैपिंग या फंक्शन, अगर मेनी वन इंटू लगाया जाएगा उसी तरीके से आप इसमें लिख देंगे कि एट लीस्ट वन एलिमेंट है वो एफ इमेज टू एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, लिख ही देंगे यहां वाई टू और लगा दीजिए, बस हो गया, बस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेनी वन इंटू हो गया, इससे पहले क्या था मेनी वन मैपिंग था। ठीक है, मेनी वन मैपिंग था, ये क्या हो गया मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू का मतलब एक्स के एक से अधिक अवयवों का एफ इमेज वाई के किसी एक एलिमेंट में हो, और या लेकिन वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका एक्स के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो, तो वहां पर मेनी वन इंटू मैपिंग भी आप डिफाइन करते हैं। ओके, तो इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इन सब आप समझते रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आता है ऑन टू फंक्शन आर नाइन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्शन भी बोलते हैं, सब्जेक्शन, ठीक है। इसी को आच्छादक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन, नंबर फाइव है, फाइव नंबर आच्छादक फलन। तो ऑन टू फंक्शन होता क्या है, यहां भी जैसा हमने कहा थोड़ा फॉर्मेलिटी सीखनी पड़ेगी डेफिनेशन की। एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, डेफिनेशन बनाना सीख लीजिए, इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग, ऑन टू फंक्शन एफ, एफ इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, क्या लिखने वाला हूं मैं, आप सोचे एक्स लिखने वाला हूं, नहीं वाई, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैव, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैव हैव एफ इमेज, हैव एफ इमेज टू एनी एलिमेंट, टू एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ऑन टू मैपिंग, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो वन वन मैपिंग इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ऑन टू, बाकी ये सब साइड में आपको आता रहना चाहिए, लेकिन जो खास है वो ये इंपॉर्टेंट में आता है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मैपिंग। तो आपने इसमें क्या सीखा कि x और y में वह फलन, x और y में वह फलन जिसमें y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का एस इमेज हो, तो उसे ऑन टू मैपिंग कहते हैं। इससे तो बात स्पष्ट हो ही गई कि ऑन टू इनटू पॉसिबल नहीं है, ऑन टू इनटू पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो इनटू की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब या तो ऑन टू हो सकता है या तो इनटू हो सकता है, दो में से कोई एक ही हो सकता है, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ऑन टू और इनटू एक साथ नहीं हो सकता है, नहीं सेटिस्फाई होगा। तो देखिए इसमें भी समझिए आप, ये सिचुएशन है, ये फंक्शन हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो गया, वाई वन वाई टू हो गया, मान लीजिए एक्स वन का एलिमेंट वाई वन मिला, एक्स टू का भी वाई वन मिला दीजिए, एक्स थ्री वाई टू में, हो गया ऑन टू में, ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, को डोमेन हो गया। एक खास बात आप इसमें और देखेंगे, जो को डोमेन होता है वो रेंज के इक्वल होता है, मतलब इसमें हमेशा ट्रू रहेगा, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, ये नोट करिए इस पॉइंट को, इसमें जो को डोमेन होता है वो रेंज के हमेशा इक्वल रहता है, एक बात। दूसरी बात, इसकी जो प्रूविंग होती है बहुत ही आसान सी प्रूविंग है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसकी जो प्रूविंग होती है वो क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब जो यहां एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, ये वो किसके इक्वल होता है, एक्चुअल में जो एक्स का फंक्शन होता है वो वाई के ही पूरा पूरा इक्वल हो जाता है, तो वहां पर ऑन टू मैपिंग होती है, ठीक है, ये हो गए ऑन टू मैपिंग, समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट समझ गए होंगे, नेक्स्ट चलते हैं, वन वन ऑन टू मैपिंग या फंक्शन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको करना है पूरी एक्सरसाइज में, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वन वन ऑन टू पर ही बेस्ड है। तो आता है वन वन, वन वन ऑन टू मैपिंग या फंक्शन, तो वन वन ऑन टू का मतलब होता है एकाएकी आच्छादक चित्रण, इसको एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन, ठीक है, एकाएकी, यहां लिखा गया है एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक फलन, ठीक है,
तो बाइजेक्शन ज्यादातर क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आता है, तो इसकी भी डेफिनेशन बहुत इजी है कि एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन इज सेट टू बी बाइजेक्शन इफ इफ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ ऐसा भी है। वन वन एंड ऑन टू दोनों का क्या मतलब है? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका क्या मतलब है। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री ये देख लीजिए यही है वन वन एंड टू। ये एग्जाम्पल जो है दोनों को सेटिस्फाई करता है, चेक कर लीजिए दोनों को सेटिस्फाई करता है। वन वन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कैसे? एक्स का डिफरेंट एलिमेंट वाई के डिफरेंट एलिमेंट का एफ इमेज है, एक्स का डिफरेंट एलिमेंट वाई के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक। और ऑन टू डेफिनेशन क्या है कि वाई का ईच एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज हो, ठीक है। तो यहां ऐसी सिचुएशन में वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये आप यहां भी कर सकते हो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दिस इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक। एंड यहां ये भी कर सकते हो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो दोनों ही कंडीशंस इसको वन वन और ऑन टू में सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, ओके। अब एक आता है लास्ट है नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे आपने और सब निकाला, नंबर ऑफ सबसेट्स निकाला, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना सीखा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। इसका नीट कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फंक्शन मतलब पल्लों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये x है ये y है, रूल f द्वारा कनेक्टेड है। मान लीजिए इसमें x1 x2 m एलिमेंट हैं, इसमें y1 y2 कितने हैं n एलिमेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने टाइप का फंक्शन हो सकता है? कहिए भी मैं आपको क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए, या भी आप तुरंत माइंड में सोच बताइए कितने टाइप का फंक्शन बन सकता है नंबर ऑफ फंक्शन। देख लीजिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आप जो सोच रहे हैं वही मैं बोलना, बताइए एक्स वन कितना इमेज बना सकता है वाई वन के साथ? एक्स वन कैन टेक बताइए भाई, एक्स वन का इमेज वाई वन के साथ भी हो सकता है, वाई टू के भी साथ हो सकता है, और इसी तरीके से वाई वन के साथ बन सकता है। तो एक्स वन कैन टेक एन इमेज एन एफ इमेज टू वाई, ठीक है। तो एक्स वन कैन टेक एन एफ इमेज टू वाई, इसी तरीके से x2 कितना ले सकता है ये भी n तरीके से ले सकता है, इसी तरीके से xn इमेज भी n तरीके से ले सकता है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा बताइए, n n n कितने टाइम्स n into n into n into m टाइम्स m बार, इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए, n पावर m। कैसे? अभी आप फर्स्ट ईयर पढ़ कर गए हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 into 2 into कितनी बार है, मान लीजिए 4 times है, इसका वैल्यू बताओ भैया। अगर 2 into 2 into 4 times मल्टीप्लाई है तो कितना होगा, 2 की पावर 4 ही तो होगा, तो बस 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, m टाइम्स, m टाइम्स क्यों, जितना x है उतना ही टाइम्स तो होगा, ठीक है। इस तरीके से अभी ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, अब नेक्स्ट डे क्वेश्चंस चलेंगे और जो क्वेश्चंस 1.2 के क्वेश्चंस होंगे वो बताएंगे। और हाँ,
ये मत समझिए कि इतने ही टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन भी और बी काइंड्स के हैं, लेकिन जो आपके 12th लेवल में है वो इतना ही है, इतने से ही आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।